इसके लिए आपको चाहिए सेफ्टी पिन, और आप उसको पिन अप कर लेंगे फैब्रिक और ड्रेसिंग पेपर को, क्यों ताकि वो हिले ना, वरना डिज़ाइन इधर उधर ट्रेस हो जाएगी। और नीचे कार्बन पेपर होगा और आप पेंसिल से उसके ऊपर से दोहराएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक डिज़ाइन को फैब्रिक पे ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते, तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है और आपको केरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा है, तो आप कार्बन की हेल्प से इस तरीके से डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं। आपको फैब्रिक अपने कपड़े पे जिस भी जगह डिज़ाइन चाहिए, अगर आप पिलो कवर या बेडशीट जो भी चीज़ आप पेंट करने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपको कहाँ पे डिज़ाइन ट्रेस करना है, तो उस जगह पे सबसे पहले आप कार्बन पेपर रखेंगे और उसके ऊपर अपना ट्रेसिंग पेपर। अगर आपके पास ये पिन नहीं है या आप उसको पिन अप नहीं करना चाहते, तो कोई भी बात नहीं, आप हाथ से भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं जैसे मैंने पकड़ा है। वो मैंने इसलिए बता दिया है ताकि बिगनर्स में ऐसा होता है कि डिज़ाइन हिल जाती है, और आधी डिज़ाइन इधर और आधी थोड़ी हिल के आपकी ट्रेस हो जाएगी, तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैंने ये मतलब एक अपना टिप्स आपके साथ शेयर किया है, मैं करती हूँ ऐसा। और आप जब पेंसिल से सारी डिज़ाइन का आउटलाइन कर लेंगे, आप पेंसिल को थोड़ा सा दबा के आउटलाइन करेंगे ताकि अच्छे से ट्रेस हो जाए। और कार्बन पेपर ब्लैक और ब्लू कोई भी आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नया ही कार्बन पेपर लीजिएगा। यूज़ किया हुआ कार्बन पेपर से हो सकता है कि डिज़ाइन अच्छे से ट्रेस ना हो पाए। ये देखिए इसका रिज़ल्ट जो है, ये कितना अच्छा ट्रेस हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको पेंट करके दिखाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको पता चले कि ये कैसे लगती है।